आज की स्पेशल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस स्पेशल सीरीज में हम आप लोगों के साथ शॉर्टकट करेंगे। जब आप कंपटीशन में जाते हैं ना, तो वहां पर आपके पास पेपर होता है और जिस पेपर के ऊपर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ना टाइम होता है, तो ये जो है आपका पेपर भी सेव करेगा और टाइम भी सेव करेगा। तो सबसे पहले मैं आपके 2 मिनट लूंगा, आपको लिमिट के बारे में बताऊंगा। बच्चों लिमिट क्या होती है, लिमिट बाकी जो है मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी है कि लिमिट इज एज लाइक ए बाईपास सर्जरी, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और अभी आपने ये जानना है बच्चों, नो पर्सन ऑन दिस अर्थ इज परफेक्ट और एवरी पर्सन ट्राई टू बिकम मोर परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बन सकता, परफेक्शन की तरफ सिर्फ जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आत्माएं जब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो हमारे अंदर विकार भी होते हैं, कुछ अच्छे संस्कार भी होते हैं, तो उन विकारों को कम करने के हम अपने जो संस्कार हैं उसको इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि हम परफेक्ट बन सकें, और वो हम परफेक्ट नहीं बन पाते, तो डेट इज कॉल्ड ओनली लिमिट। तो आज के इस पहले शॉर्टकट में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, यदि कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन टू द पावर पी ए एक्स और साइन टू द पावर पी बी एक्स, तो एक राज की बात बच्चों मैं बता रहा हूं, ये आपका ई आई रूल कहलाता है कि यहां पर भी आपको साइन एक्स मिल जाए तो आपने उसको एक्स लिख देना है, और यदि टेन एक्स भी मिल जाए तो उसको आपने क्या लिख देना है बच्चों, एक्स लिख देना है। अब इधर देखो बच्चों, यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो, ए एक्स टू द पावर पी, और इधर क्या लिख सकते हो, बी एक्स टू द पावर पी, तो अब ये आपका आंसर आ जाएगा ए टू द पावर पी अपॉन एक्स टू द पावर पी, बी टू द पावर पी इंटू एक्स टू पावर पी, एक्स टू पावर पी बी कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी टू द पावर पी। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सिंपल वे से कर सकते हैं। अब मैं शॉर्टकट नंबर 2 ले रहा हूं आप लोगों के साथ, इसी तरह अब आपको क्वेश्चन आ जाता है टेन टू द पावर पी ए एक्स और टेन टू द पावर पी बी एक्स। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहां पर भी इसी तरह आप लोग चलेंगे, ये क्या हो जाएगा ए एक्स टू दी पावर पी और ये बी एक्स टू दी पावर पी, तो एक्स टू पावर पी एक्स टू पावर पी कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, ए अपॉन बी टू दी पावर पी। अब आप अपने क्वेश्चन सीबीएसई में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन और आप लोगों को इसी शॉर्टकट के ऊपर कराता हूं। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया साइन थ्री एक्स अपॉन टेन फोर एक्स, सपोज ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास, तो अब आप लोगों को मालूम है सबसे पहले ये 3x आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ गया 3/4। इसमें आपने बात बच्चों ध्यान रखनी है, ऊपर भी डिग्री 1 है नीचे भी डिग्री 1 है, तो उसका आंसर फाइनाइट आएगा। यदि ऊपर डिग्री ज्यादा होगी और नीचे कम होगी तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और यदि ऊपर डिग्री कम है नीचे ज्यादा है तो उसका आंसर इनफिनाइट आएगा। इसको मैं लिख देता हूं, यदि न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री होगी, पॉलीनोमियल तो बनेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनाइट आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया फाइनाइट। यदि न्यूमरेटर की डिग्री आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी तो आंसर उसका हमेशा बच्चों 0 आएगा, और यदि न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से तो आंसर उसका इनफिनाइट आएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।